हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपका इनकम टैक्स का रिफंड फेल हो गया है तो आप उसे दोबारा से रीइशू कैसे करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपने जो इनकम टैक्स का रिफंड अप्लाई किया था वो फेल हो जाता है, जैसे कि आपने बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया है या फिर जैसे कि पैन को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया था तो इस वजह से फेलियर हो जाता है, तो आपको रिफंड को रीइशू के लिए अप्लाई करना होता है। फ्रेंड्स, आप रिफ़ंड को देख सकते हैं कि क्या आपका रिफ़ंड आपको इशू हो गया है या फिर उसका फेलियर हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आप अपने रिटर्न का रिफ़ंड देखना चाहते हैं तो उस केस में माय अकाउंट में जाके आपको व्यू ई फाइल रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करना है और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के सामने जो एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया गया है उसके सामने क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या आपका रिफ़ंड इशू कर दिया गया है या वो फेल हुआ है। फ्रेंड्स, आपका यदि रिफ़ंड फेल हुआ है तो आप रीइशू करवा सकते हैं। उसके लिए माय अकाउंट में जाना है आपको, उसके बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइप में न्यू रिक्वेस्ट डालना है और रिक्वेस्ट कैटेगरी में आपको रिफ़ंड रीइशू की कैटेगरी सेलेक्ट करके सबमिट करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने सबसे लास्ट में ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपका जो रिफ़ंड है वो प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही इशू किया जाएगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि आप रिफ़ंड को दोबारा लेना चाहते हैं। यदि आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं आ रहा है तो उस केस में आप फ्रेंड्स प्रोफाइल सेक्शन में जाके अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं। ये जो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ये उस व्यक्ति का अप्लाई कर रहा हूँ जिसकी के डेथ हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर प्रोफाइल का बटन नहीं दिया गया है। तो आपको इसके लीगल हेयर में जाके पहले प्रोफाइल सेक्शन के अंतर्गत अकाउंट को ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे रिफ़ंड रीइशू के लिए अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ईवीसी से वेरीफाई करना है और रिफ़ंड को अप्लाई करना है। इस प्रकार फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन रिफ़ंड रीइशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल वैलिड हो, आपका पैन बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो और बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड हो। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।